146 गट्टे पकड़े गए हैं, खाली गट्टे जो हैं वो काबू किए गए हैं और प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई है वो लगातार चला रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए आप। भैया साहब कितने गट्टे है? हाँ जी ये गट्टे तो इफ्को के जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी और वो है ये सील भी किए जाएंगे जी गट्टे? हाँ जी सील करवा के फिर ही भेजेंगे अपन। डीएपी के जो है फर्जी फेक गट्टे देख लीजिए आप, बिल्कुल फेक गट्टे जो हैं वो यहाँ पर लाए हुए थे और डीएपी का जो गोरख धंधा है वो लगातार चलाया जा रहा था। सर ये किस तरह का मामला आपके सामने आया है? ये हमारे को सूत्रों से समाचार मिला था कि कुछ लोग यहाँ खाली डीएपी इफ्को और चंबल के उसमें कुछ नकली मटेरियल जो दाना होता है वो भर के तैयार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही तुरंत एग्रीकल्चर की टीम पहुंच चुकी है, पुलिस पहुंच चुकी है, हम इनको गिनती कर रहे हैं, गिनती करके इसको सीजर मेमो में लेके और जो बनती उचित कार्रवाई उसकी एफआईआर करवाएं। सर आप यहाँ पे आए हो, आप किस तरह का माल यहाँ पे जो बरामद हुआ है? नहीं ये जो माल मिला है वो प्रथम दृष्टि में देखने में बिल्कुल नकली लग रहा है क्योंकि ये मिट्टी का ग्रेन बना हुआ है और वो इस गट्टों में भरा जा रहा है। कितने जो बैग भरे हुए मिले हैं कितने खाली? कम से कम 150-200 के करीब जो भरे हुए हैं और कुछ खाली पैकेट मिले हैं हमने जो गट्टे खाली हैं इफ्को के और चंबल के नाम से मार्का के। तो अब किस तरह की कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? अब बस सीज करेंगे हम, एक्ट के अनुसार सीज करके सीजर मेमो में लेके और एफआईआर करवाएंगे, पुलिस को हैंडओवर करेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आप दे रहे हैं तो किसके नाम? जो भी हमें नेम देंगे उसी हिसाब से हम पुलिस को बाई नेम करेंगे, जो भी यहाँ किसान जिन्होंने पकड़ा है वो हमें जो नाम देंगे उसी नाम से हम पुलिस को एफआईआर करवाएंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस करेगी। बोले बाड़े जो किसान जिनको इन्होंने ये नकली डीएपी असली कह के बेची है, उन साथियों की जो पैसों की हरासमेंट हुई है वो भी पूरी होनी चाहिए। उन लोगों की अगर कोई किसी प्रकार का फसल का नुकसान भी हुआ है, सब्जी वाले जो साथी वो भी इनसे लेके गए हैं, तो उनकी भी भरपाई होनी चाहिए। और एक प्रशासन को हम ये गुजारिश करते हैं कि हम इनको एक दो दिन का टाइम देते हैं, हम सभी साथी जो संयुक्त मोर्चा के हैं एक दो दिन का टाइम देते हैं, अगर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करी तो दिल्ली संयुक्त मोर्चा से कॉन्टेक्ट करके सिरसा पूर्ण तौर से जो सारी जथेबंदियां हैं वो यहाँ पे हम ये ना हो कि सरकार और प्रशासन के खिलाफ कोई हमें कड़ा आंदोलन करना पड़े, कृपा करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्डिंग के ओनर जो हैं उसका नाम बताया गया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनने में अभी ये आ रहा कि इसमें उनका नाम लिखा हुआ है, जो चारों दोषी हैं जो हमारे किसान साथी जिन्होंने मौके पे आके इस बात की इतला संयुक्त मोर्चा को दी उनके नाम इसमें नामजद कर दिए गए हैं, गाड़ी नंबर भी इसमें लिख दिए गए हैं, यहाँ तक कि अभी साथियों ने बताया भट्टी साहब ने और साथियों ने पीछे एक बाइक भी खड़ा है आरजे नंबर का, और प्रशासन से गुजारिश है भी उसकी भी जो है वो उसको भी बरामद किया जाए और उसकी शनाख्त करके उसकी भी कार्रवाई की जाए भी अगर वो गलत तो नहीं है, क्योंकि हम हरियाणा में रह रहे हैं और वो आरजे नंबर का बाइक छोड़ के वो भाग गए हैं शायद उनमें से कोई साथी। और ये आप सभी के पत्रकार बंधुओं के सामने ये हमने जो एप्लीकेशन है इनको संभला दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और हमारे प्रशासन जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के द्वारा जो एप्लीकेशन है वो लिख कर तैयार कर ली गई है और जो प्रशासन को है वो एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। गुरप्रीत गिल जी हैं और इलाहाबाद संयुक्त मोर्चा से सुरेंद्र सिंह सिद्धू जी हैं। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.